मोबाइल मार्केट के बारे में कहा जाता है कि बड़ा ही डायनेमिक है, हर 6 महीने में बदल जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि इससे भी ज्यादा डायनेमिक है यूजर्स की डिमांड। बेसिकली जितने मुंह उतनी बातें। आपको बिलीव नहीं हो रहा ना, तो खुद ही देख लो। परफॉर्मेंस तो ठीक है, लेकिन कैमरा एक नंबर होना चाहिए भाई। देख भाई, मुझे सिर्फ गेमिंग से मतलब है, तो एकदम पावरफुल एसओसी चाहिए जो गेम खेलते वक्त बिल्कुल भी लैग ना करे। आई वॉन्ट इन ऑल राउंडर फोन विद गुड डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस एंड बैटरी लाइफ। भैया जी, मुझे तो फोल्ड फोन चाहिए। नहीं नहीं यार, ये ज्यादा हो रहा है। फिलहाल 25,000 में आपको फोल्ड फोन तो नहीं बता सकता, लेकिन आप लोग जो डिमांड कर रहे हैं बेस्ट कैमरा फोन, बेस्ट परफॉर्मेंस फोन और बेस्ट ऑलराउंडर फोन जरूर बता सकता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट फोन्स अंडर 25,000 जिनको आप बाय कर सकते हैं इन 2024। हाय गाइस, मेरा नाम है प्रवीण भनका और आप देख रहे हैं 90 मिनट मोबाइल्स। लिस्ट की शुरुआत करते हैं हम सोशल मीडिया की चमक धमक से। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो फोन के कैमरास की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो गई है। न्यू व्लॉगर और कंटेंट क्रिएटर्स को जरूरत होती है एक अच्छे कैमरा फोन की, इसलिए मैं आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 ऑप्शंस लेकर आया हूं जिनमें आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बैक से भी और फ्रंट से भी। सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी F54 की। इसमें आपको मिलता है 108 मेगापिक्सल का OIS वाला कैमरा, जो आपको डे लाइट के साथ ही लो लाइट में भी स्टेबल रिजल्ट देने का भरोसा देता है। इसमें आपको गुड डायनामिक रेंज और एप्ट कलर एक्यूरेसी मिलती है। इसमें आप पोर्ट्रेट फोटोज क्लिक करने के बाद भी बोके को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक व्लॉगर है तो आपके लिए और भी काम का है, क्योंकि इसमें आप कैमरा स्विच कर सकते हैं जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करें, फ्रंट से बैक या बैक से फ्रंट। और कुछ इसकी खूबियों की बात करें तो इसमें आपको डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छी मिलती है, एंड 4 ईयर्स के आपको एंड्रॉइड अपडेट्स मिल जाएंगे, एंड 5 ईयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स, एंड साथ साथ 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है। और कुछ कमियों की बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले तो प्लास्टिक बॉडी मिलती है, सो आपको स्क्रैचेस बहुत ईजिली पड़ सकते हैं फोन पे, और सिंगल स्पीकर मिलता है, स्टीरियो स्पीकर देखने को नहीं मिलता है, एंड स्लो चार्जिंग स्पीड है, एंड बॉक्स में आपको चार्जर भी देखने को नहीं मिलता है, वो आपको अलग से खरीदना होगा। नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं मोटोरोला H40 नियो की तरफ, जो कि आता है 50 मेगापिक्सल OIS कैमरा के साथ। इसकी फोटोज में डिटेलिंग अच्छी मिलती है और कलर्स थोड़ा ओवर प्रोसेस्ड होते हैं, बट आप उन्हें सोशल मीडिया रेडी बोल सकते हैं, और डिसेंट डायनामिक रेंज मिलती है। अल्ट्रा वाइड कैमरा से आप मैक्रो फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं। लो लाइट में इसका मेन कैमरा काफी अच्छी फोटोज ले लेता है विद एप्ट शार्पनेस एंड डिटेलिंग। सेल्फीज में भी अच्छा परफॉर्म करता है, थोड़ी ओवर शार्पनेस देखने को मिलती है कुछ फोटोज में। और क्या क्या खास है, स्टाइलिश डिजाइन और 144Hz का कर्व डिस्प्ले विद IP68 रेटिंग, एंड साथ साथ आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, मतलब कि कोई ब्लोटवेयर नहीं। लेकिन अगर कॉन्स की बात करूं ना, तो एवरेज परफॉर्मेंस है, लाइक डे टू डे टास्क के लिए बस ठीक है। एक और बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो आप इन्फिनिक्स 030 की तरफ देख सकते हैं। इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का OIS कैमरा मिलता है, और इसके कैमरास डिसेंट फोटोज दे देते हैं, थोड़ा इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है, बट ओवरऑल आउटपुट अच्छा आ जाता है। इन लो लाइट और आर्टिफिशियल लाइटिंग ऑल्सो ये फोन डिसेंट फोटोज क्लिक कर लेता है, और जब वीडियो की बात करें तो काफी डिटेलिंग दे देता है, और कलर एक्यूरेसी भी आपको अच्छी मिल जाती है, बट लो लाइट में और आर्टिफिशियल लाइटिंग में आपको थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखता है, और आप इसमें रिकॉर्डिंग के टाइम पे कैमरा स्विच नहीं कर सकते। कुछ प्रोस की बात करें तो इसमें आपको डिजाइन काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, एंड 144Hz का कर्व डिस्प्ले, साथ साथ परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को मिलती है विद क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एंड लेस प्री इंस्टॉल्ड एप्स। एंड अगर कॉन्स की बात करें तो इसमें आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट मुझे कम लगा, लाइक एंड्रॉइड 13 के साथ आया था, अब एंड्रॉइड 14 मिलेगा बस इसको। और मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको एक अबव एवरेज परफॉर्मिंग वाला फोन चाहिए विद गुड कैमरास, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। थैंक्स भाई, तूने बहुत अच्छे ऑप्शन दे दिए। अब इनमें से मैं एक बेस्ट कैमरा फोन चूज कर सकता हूँ अपने लिए। तो कैमरा वालों, आपको बेस्ट कैमरा फोन तो मैंने बता दिया, अब बात करते हैं उन यूजर्स की जिनको बेस्ट गेमिंग फोन चाहिए अंडर 25,000। आपको जैसे मालूम होगा कि कॉम्पिटिटिव गेमिंग को अब इंडिया में स्पोर्ट्स कैटेगरी में देखा जाता है, और बहुत जल्दी ही ओलंपिक्स में भी इसको ले जाने की बात चल रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ई स्पोर्ट्स का क्रेज कैसा होगा। और इसी क्रेज को देखते हुए हम इस सेगमेंट में 2 फोन्स आपके लिए सजेस्ट करने वाले हैं। सो फर्स्ट फोन है आईकू नियो 7, जिसमें आपको मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 का SoC, और इसका एंटीटू स्कोर जाता है 850,000 से भी ज्यादा। तो मैंने इसकी टेस्टिंग के लिए BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल एंड जेंशन इम्पैक्ट खेला कंटिन्यूअसली फॉर 40 मिनट्स, और जब गेम स्टार्ट की थी तो मैंने इसका आउटसाइड टेम्परेचर था 26 डिग्री सेल्सियस, एंड बैटरी 88% थी। आफ्टर 40 मिनट्स बैटरी 77% पे आ गई थी, आउटसाइड टेम्परेचर आपका 33 डिग्री सेल्सियस हो गया था, और साथ साथ कॉन्स्टेंटली मुझे 87 से 90 FPS मिल रहा था, कहीं भी मुझे जिटर्स और लैग देखने को नहीं मिला। सो मुझे गेम्स खेलने में मजा आया, और हैप्टिक फीडबैक भी बहुत अच्छा था।
और क्या क्या अच्छा है इसमें, गुड डिस्प्ले, गुड स्टीरियो स्पीकर्स एंड साथ साथ गुड कैमरास। अगर कॉन्स की बात करें तो इसमें आपको कोई हेडफोन जैक देखने को नहीं मिलता है, तो गेमिंग फोन होने के बावजूद तो हेडफोन जैक मेरे ख्याल से होना चाहिए था। एंड साथ साथ डिज़ाइन भी मेरे को ओकेश लगा, इतना खास नहीं है। एंड एक और चीज़ हो जाती है, इसमें आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को नहीं मिलता है। और जो सेकंड ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ, उसमें आपको डिस्काउंट लगाने के बाद अंडर 25,000 ये फोन मिल जाएगा, पोको X6 Pro। इसमें आपको मिलता है MediaTek Dimensity का 8300 अल्ट्रा SoC और इसका N22 स्कोर जाता है 13,31,000 से भी ज्यादा, इनसेन। तो मैंने इसकी टेस्टिंग के लिए BGMI, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल एंड जेंशन इंपैक्ट खेला कंटिन्यूस फॉर 40 मिनट्स, और जब गेमिंग स्टार्ट की थी तो इसका आउटसाइड टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास एंड बैटरी परसेंटेज था 97%, और आफ्टर 40 मिनट्स बैटरी 82% हो गई थी और आउटसाइड टेम्परेचर था 35 डिग्री सेल्सियस। कॉन्स्टेंटली मुझे 87 से 90 FPS मिल रहा था, कहीं भी मुझे जिटर्स या लैग देखने को नहीं मिला, सो गेम्स खेलने में मुझे मजा आया। इसका परफॉर्मेंस सिमिलर था Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 के सामने, जो कि मैंने कंपेयर किया था OnePlus 11 के साथ। और इसमें आपको खास चीजें मिल जाती है, जैसे कि इसका डिजाइन काफी अच्छा है, साथ साथ इसमें आपको डिस्प्ले भी अच्छा मिलता है और तगड़े स्टीरियो स्पीकर्स। और कुछ कमियों की बात करें तो इसमें आपको 3.5mm जैक देखने को नहीं मिलता है, जो कि मुझे लगता है कि गेमिंग फोन में होना ही चाहिए। साथ साथ इसमें आपको कहने के लिए Xiaomi का HyperOS है जो कि नया आया है, लेकिन प्री इंस्टॉल्ड एप्स वैसे ही की वैसे ही हैं पहले जैसे ही, और कैमरा थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता है। थैंक्स भाई, तूने बड़े बिंदास ऑप्शन दिए, अब इन दोनों में से मैं अपने लिए एक बेस्ट गेमिंग फोन ले सकता हूँ। आपने कैमरा फोन देख लिया, आपने गेमिंग फोन देख लिया, लेकिन लास्ट में आपको एक ऐसा फोन बताना चाहूंगा जो कि इंडिया में स्नैपड्रैगन 782G प्रोसेसर के साथ एक लौता फोन है। और साथ साथ आपको ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप बेस्ट गेमिंग फोन चाहते हैं तो इसको मत लेना, लेकिन अगर आप बेस्ट कैमरा फोन चाहते हैं तो भी इसको मत लेना, लेकिन अगर आप चाहते हैं एक बेस्ट ऑलराउंडर फोन तो इसको जरूर कंसिडर करना। मैंने इसको पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, इसका सॉफ्टवेयर और UI काफी अमेजिंग है और इन हैंड फील भी इसका प्रीमियम है, और ये फोन डिसेंट बैटरी परफॉर्मेंस देता है। अगर आप एक एवरेज यूजर है तो एक बार चार्ज करने पर 1.5 से 2 दिन आराम से निकाल देता है। इसके साथ आपको फास्ट चार्जर भी मिल जाता है बॉक्स के अंदर ही। डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस कहीं भी आपको कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ वेल बैलेंस्ड है। जिस फोन की मैं बात कर रहा हूँ वो है OnePlus Nord CE3। थैंक्स फॉर गिविंग मी अ ग्रेट ऑप्शन अंडर माय बजट, आई एम गोइंग टू बाय दिस राइट नाउ। कुछ ऑनरेबल मेंशंस, जैसे कि Redmi Note 13 Pro और Poco X6 में आपका ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कैमरा का डिफरेंस है, तो आप Redmi Note 13 Pro की जगह आप Realme 12 Pro को भी कंसिडर कर सकते हैं एक बेटर कैमरा परफॉर्मेंस के लिए। और Poco X6 अगर आपका बजट 20,000 है ना, तो आप Poco X6 की तरफ जरूर जा सकते हैं, एक ऑलराउंडर फोन रहेगा आपका 20,000 में, और ये डिस्काउंट के बाद आपको 20,000 का मिलेगा। सो आप कौन सा फोन लेने वाले हैं इनमें से, या ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, सो जरूर से अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कमेंट्स में, ताकि नए बायर्स को हेल्प हो सके। और ये मेरी वीडियो थी बेस्ट फोन्स अंडर 25,000। अब आप बताइए अगली वीडियो में किस रेंज के फोन्स को कंसिडर करें, लाइक बेस्ट फोन्स अंडर 30,000, 40,000, 50,000 या जो भी हो, आप बताइएगा मुझे। सो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो दूसरों को बताओ, शेयर का बटन दबाओ, मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में।